ये चार अंकों का होना चाहिए, ओ के बाद चार अंक होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं सीक्वेंस नंबर एन के रूप में, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, फॉर्मेलिटीज वाली सारी की सारी। सर ये हमेशा एन वन ही आएगा55 जिसमें आपने ऑफसेट डालना हो, ठीक है, वर्क ऑफसेट नंबर जो भी डालना है, G90 एब्सोल्यूट में प्रोग्राम बनाना है, एक ही पॉइंट से सारी डायमेंशन काउंट करनी है, ठीक है। G17 का मतलब है कि हम एक्स वाई में काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर से यहाँ से X0 Y0 हमारे यहाँ हो गई, ठीक। इधर X माइनस, इधर H प्लस, Y माइनस और Y प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या डाला था हमने, G80। अगर आपने कभी ड्रिल यूज करा है तो वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। G21 का मतलब है आपको एमएम में चलाना है, इंचो में चलाना तो G20 और एमएम में चलाना तो G21, ठीक है। इसके बाद क्या डाला था हमने, M06 इसका मतलब यह है कि जितने नंबर का टूल आपको यूज करना है वो टूल, ठीक है। इसके बाद स्पेंडल स्पीड आएगी M03S1000 G97, ठीक है। क्या डायरेक्शन आपको रखनी है, एम कोड कितनी स्पीड रखनी है वो, और G97, ठीक है भाई। इसके बाद G00 है ना, Z0.2.0 आपका टूल जो है घूमना शुरू हो गया जी। तो अब क्या करेंगे, जहां जिस पॉइंट पे हम ऊपर ऊपर होम पोजीशन पे ऐसे ही ऊपर ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर का मतलब यह है कि G00 Z2.0 समझे, F500 फील्ड, कोई भी फील्ड डाल, आप आगे खड़े हो गए, अब टूल को नीचे लेके आना है पोजिशन पे, ठीक है भाई। G00 Z2F500 फील्ड कुछ भी हो सकती है, G01। अब क्या करेंगे हम, टूल हमारा बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट पर आ गया तो नीचे ले आएंगे Z-1 जितना भी कट देना आपको, और F100 फील्ड कम हो जाएगी कटिंग पोजीशन में। इसके बाद G01 सर, अब एक्स की वैल्यू निकाल दे है ना। अब आप जो पॉइंट जो भी आपके साइज है ड्राइंग के वो दे देंगे सर, एक्स P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 12 13 पॉइंटों के अनुसार सीरियल वाइज चलते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमें यहाँ से हम कितने चले हैं, 150। G01 X150 और Y 0.0, ठीक है। फीड हम अगर डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो हमारी ऊपर की ही वो एक रीडिंग चल जाएगी G01। अब X 150 तो हम पहले ही चले गए हैं, 150 Y कितने चले, 25, ठीक है जी। G02 है जी, बताओ कौन सा कोड लगेगा, G02 X 150 Y 75.0, ठीक है, ठीक है। रेडियस और आर 25, ठीक है जी। G01 एक्स 150 Y कितना हो गया, 125
पॉइंट जीरो 125 पॉइंट जीरो ठीक है जी जीरो वन जी जीरो वन एक्स एक्स 130 और वाई 150 ठीक है कौन से पॉइंट पर पहुंच गया छठे पे सिक्स पे पहुंच गए है ना जी जीरो वन एक्स बताओ सो और वाई 150 अब इसके बाद हमें फिर रेडियस काटनी है तो कौन सा कोड यूज करेंगे जी जीरो टू क्लॉक वाइज एक्स कितना हो जाएगा सर जी सर 60.0 वाई 150 पॉइंट जीरो रेडियस बी बी जी जीरो वन एक्स जीरो पॉइंट जीरो ठीक है कहाँ तक आगे टेन तक आ गया जी जीरो वन एक्स बीस बीस ठीक है यहाँ से यहाँ गए तो एक्स बीस हो गया y 100 और y 100.0 g 0 1 x 20 20 के बीच ही रहेगा y 60 g 0 1 x 0 y 8 कितना हुआ 60.0 जहाँ से चले थे वही हम आ गए ठीक है इसके बाद क्या करना हमें जहाँ से टूल हमने लिया था अब उठाना है ना जी जीरो जीरो जेड टू पॉइंट जेड टू पॉइंट जीरो एफ 500 ठीक है हम पोजीशन लगा देंगे इसके बाद जो इस पेंडल में स्टार्ट कराया था उसे M08 लगाया नहीं हमने इसमें M08 लगाते करते हैं ना M30 प्रोग्राम एडेड ठीक है इसी तरह बनाने हैं सारे प्रोग्राम जो